रोम रोम जितने भी अपने भाई है, हाँ ये राइट बताओ कौन सा, हाँ ठीक है यही चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे जस्ट सर्विंग के लिए चाहिए राइट। अभी इसमें आप ये डालो, सुनो और एक बोतल लेके आओ मुझे स्टैंड के लिए, या एक बोतल लेके आओ हाँ पानी की, वो मैं लौटा दूंगा। आपके पास नहीं है अभी तो ऐसे ही दो दो ना, फ्रिज में कोई पड़ी नहीं है बोतल कोई भी यार, नॉर्मल जस्ट मोबाइल स्टैंड के लिए। रोम रोम सारे भाई आते, तो भाई अभी मैं यहाँ पे आया हूँ और अभी मेरा यहाँ पे पोजेशन है बंगले में, तो कुछ इन्वर्टर का काम करने के लिए मैं आया हूँ और मैं देखूंगा कि क्या क्या है। एक मैं जस्ट वेट, मैं थोड़ा कैमरा साफ कर लेता हूँ। अरे बाप रे ये क्या हो गया, बाप रे मेरा चेहरा बहुत ही गंदा दिख रहा है, ये क्या हो गया, रुको एक मिनट। अरे बाप रे, और ये बीच में तारे क्यों चमक रहे हैं इसमें, अरे भाई ये मैंने कौन सा फिल्टर लगा दिया यार, इसमें तो तारे चमक रहे हैं। तो चलो, तो अभी मैंने ऑर्डर किया है चिकन बॉइल, एक्सक्यूज मी कोई मुझे सर्व करो प्लीज, हेलो यहां पे आओ जरा प्लीज, थोड़ा सर्व करो ना चिकन, अरे मतलब डालो इसमें मुझे खिलाओ, सर्व करो, तो मैंने अभी चिकन बॉइल ऑर्डर किया है और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है, हमने जो चिकन ऑर्डर किया है वो, ये मैंने यहाँ पे ये बॉइल चिकन ऑर्डर किया है, तो देखेंगे हम लोग कैसा है। बस लेग पीस डालो इसके पहले कि कौवा खा जाएगा, लेग पीस डालो और डालो, ठीक है बस अभी ढक दो, तो देखेंगे कैसा इसका टेस्ट है हमारे चिकन का। यहाँ पे रखो इसको और अच्छा ठीक है, चावल तो मैं खैर बाद में खाऊंगा, और मुझे चावल बहुत पसंद है, मुझे बासमती बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं खुद ये चावल का दीवाना हूँ। वाओ
तो बहुत ही टेस्टी ये चिकन बना है, मजा आ गया। तो इसको हम खाएंगे चावल के साथ, क्योंकि वाओ तो मैं एक्चुअली मेरे बंगले पे आया हूँ यहाँ पर, और मुझे अभी पोजीशन मिलेगा 20 तारीख को। उन्होंने मुझे कहा कि आपको 20 या 21 दोनों में से पोजीशन मिलेगा, तो मैंने उनको कहा कि अगर 20 का अवेलेबल है तो मुझे 20 को ही दे दो। तो मैं 20 को ले रहा हूँ पोजीशन। और अभी मैंने जस्ट यहाँ पे चिकन ऑर्डर किया है, वाव बहुत ही टेस्टी ये चिकन है। और ये राइस है, एक्चुअली ये हिमाचली राइस है, आप देख सकते हो, और ये हिमाचल का राइस है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। एक्सक्यूज मी, इधर आओ एक मिनट। मेरे बंगले में अभी कोई रह रहा है? मेरे बंगले में अभी कोई रह रहा है क्या? अरे जो मैंने बंगला लिया है वो रेंट पे, वहां पे रह रहा है कोई? तो कब चेकआउट करेंगे वो लोग? अच्छा कल होगा, तो मैं कल ही आ जाऊं फिर। ये तो भैया मैनेजर के साथ बात करेंगे। बुला तो जरा मैनेजर को, वो बाहर गए अभी स्नान के लिए। अच्छा अच्छा, कब तक आएंगे वो? अभी आ जाएंगे 10-15 मिनट के अंदर। मेरा 25,000 का बिल पेंडिंग है, राइट? जो मैंने अभी 4-5 दिन खाना खाया उसका कुछ 25-30,000 का बिल है, तो वो मैं दे दूंगा। हेलो, तो मेरा एक्चुअली UPI काम नहीं कर रहा था, तो मेरा कुछ 25-30,000 का बिल है, मैं 4-5 दिन से यहाँ पे खाना खा रहा हूँ। तो अभी मैं आपको मेरा बंगला दिखाता हूँ। यहाँ पे मुझे पोजीशन मिल रहा है 500, मुझे पोजीशन है इसका, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर कल अवेलेबल है बंगला फिर मैं कल ही पोजीशन ले लूंगा। मैंने भाई ये बंगला 3 महीने के लिए लिया है, तो सितंबर को मेरा चेकआउट है। हाँ, लेकिन अगर मुझे सितंबर में बहुत ठंड लगती है तो फिर मैं शायद 2.5 महीने इसके बाद ही निकल जाऊं, मतलब जिस दिन, क्योंकि सितंबर में यहाँ पे ठंड होती है, तो मतलब 3 महीने से समझो 10 दिन में कम रहूंगा यहाँ पे, मतलब पूरे 3 महीने नहीं, 3 महीने में 10-11 दिन कम रहूंगा, क्योंकि यार बहुत ठंड होती है वो टाइम।
अभी मैं आपको मेरा बंगला भी दिखाऊंगा। वहां पे अभी कोई रह रहा है बंगले में? बहुत ही टेस्टी चिकन है ये। इसको एक्चुअली हम लोग चिकन खारा कहते हैं, इसमें नमक थोड़ा ज्यादा होता है, ये खारा ही होता है और बहुत ज्यादा नमक हम इसमें डालते हैं, इसीलिए इसका नाम है चिकन खारा। मैं आपको विदाउट फिल्टर दिखाता हूँ ये कैसे दिखता है विदाउट फिल्टर। ये देखो, ये ऐसे दिखता है ये विदाउट फिल्टर। तो हम इसमें हल्दी भी बहुत डालते हैं, नमक भी बहुत डालते हैं और हम लोग इसको 10-15 मिनट उबालते हैं ताकि उसकी स्मेल चली जाए टोटल। अरे बाप रे, फिल्टर हट गया साला, असलियत ना दिखाई दे। रुको एक मिनट। हाँ चलो, अभी बन गया मैं इटालियन। ये क्या है? ये मुझे गिफ्ट दिया है विनीत सरदाना ने, गिफ्ट दिया है ये जो टाके जो है ना, ये मुझे विनीत सरदाना ने गिफ्ट में दिए है, उसकी याद में दिए है मुझे विनीत सरदाना ने। भेंचो, चिकन का असली कलर दिखाने के चक्कर में भेंचो मेरा ही असली कलर दिख गया लोगों को। शेफ इधर आओ, थोड़ा टेस्ट करो मटन चिकन। इधर आओ, थोड़ा करी टेस्ट करो आप। हाँ इधर आओ, देखो नमक हल्दी में कितना प्यारा टेस्ट होता है, टेस्ट करो आप। मतलब मुझे देने के पहले तुमने खाया? ये देखो नमक हल्दी, ये दो थोड़ा, वो दो लो ना। क्या हुआ? अरे बहुत टेस्टी होता है नमक हल्दी का, टेस्टी तो है। अभी इसमें समझो थोड़ा नमक भी ज्यादा हो गया ना, इसको मैं थोड़ा चावल में मिला के खाऊंगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। और ये एक्चुअली खारा ही होता है, इसका नाम खारा है, इसमें नमक हम ज्यादा ही डालते हैं। देखो शेफ, मैं क्या खाता हूँ पता है? मूंग दाल की ढिल्ली खिचड़ी रात का खाना, और सुबह का ऐसा बॉईल वगैरह। और मैं तड़के का खाना वीक में एक बार खाता हूँ, वीक में सिर्फ एक बार, कभी मन करता है तो, क्योंकि मैं पेशेंट हूँ। मेरे बीमारी के लिए 12 करोड़ का खर्चा है, पता है तुम्हें? तो जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं चंगा रहूं तो आप मुझे पेटीएम कर सकते हैं। मेरे बीमारी को 12 करोड़ का खर्चा है, तो आप लोग प्लीज मुझे पेटीएम करो। क्योंकि मुझे 12 करोड़ का खर्चा है मेरे बीमारी के लिए, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसका नाम है हेपाटाइटिस बी क्रोनिक। ये बीमारी है मुझे, तो इसमें थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है, तो अभी देखेंगे टेस्ट करके। थोड़ा चावल लेंगे, ये हिमाचली चावल है। तो मेरा चिकन में थोड़ा नमक ज्यादा गिर गया है, तो मैं इसीलिए चावल खा रहा हूं साथ में। एक्सक्यूज मी, मुझे इसके ऊपर ढकने के लिए कोई प्लेट दो प्लीज। कोई प्लेट ही नहीं है इसके ऊपर ढकने के लिए। क्योंकि है ना, कौवा ऊपर से टट्टी कर देगा, कौवा।
एक दो प्लेट लेकर आओ, एक बड़ी और छोटी, दोनों को ढक दो, ऊपर से कुछ गिर जाएगा। वाह, मैं ये बोन्स चबाऊंगा। वाह, बोन चबाने का मजा कुछ अलग ही है। थोड़े ना एक दो बर्तन ज्यादा ही दिया करो। रखो इस पे, रुको एक मिनट, रखो बस okay. इतने बर्तन दिया करो थोड़े। ओके okay? टेस्ट okay. करना आपको चिकन तो खाना खाने के बाद मैं आपको मेरा बंगला भी दिखाऊंगा। मुझे आपके चावल बहुत अच्छे लगे, ये देसी चावल बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ये जो जितने भी इटालियन लोग हैं, वो सब इटालियन लोग हड्डी चबाते हैं, तो मैं भी इटालियन हूँ, मतलब मेरी दादी माँ, तो हम लोग हड्डी चबाते हैं। लाइव बंद होने के बाद मैं हाथ से खाने वाला हूँ। साला लाइव के चक्कर में मेरे को चम्मच से खाना पड़ रहा है यार। अभी चार पांच दिन से इधर ही खा रहा हूँ। कुछ 25-30 हज़ार का बिल है, वो मैं सेटल कर दूंगा। 25-30 हज़ार का मेरा बिल। तो 20 तारीख को ही मैं शिफ्ट हो रहा हूँ यहाँ पे बंगले में। मजा आ गया।
अभी मेरे बंगले में कोई रह रहा है तो 21 तारीख को मेरा पोजीशन है, लेकिन मैं 20 तारीख को भी शिफ्ट हो सकता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर 20 तारीख को हमें रिजर्वेशन नहीं है तो आप 20 तारीख को आ सकते हो। तो आप सबको मेरा बंगला दिखाऊंगा मैं खाने के बाद। अपने बंगले में 4 टॉयलेट है, 3 कमरे है, एक सर्वेंट रूम है, यार मैं हाथ से खाना चाहता हूं क्योंकि इटालियन लोग हाथ से खाते हैं, तो चलो मैं हाथ से खाता हूं यार, क्योंकि इटाली में कहावत है, इटालियन लैंग्वेज में, जो तू पूछू मोनो पोशाए बोचो बो, इसका मतलब है कि जब तक आप हाथ से खाना नहीं खाओगे खाने का मजा नहीं आएगा। तो इटालियन लैंग्वेज में कहते हैं इशामी पोचामो तोशा में मोशागी नी बो, ये मतलब होता है उसका। भाई नीचे टाइप करो कि इटालियन लैंग्वेज में क्या मतलब होता है। इटालियन लैंग्वेज में जो मैंने बोला वो आप नीचे टाइप करो, दोबारा बता रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं। इचागे बोना पोशा तोशामिशी ओना जोशे गो, ये टाइप करो। इसका मतलब होता है कि जितना आप हाथ से खाओगे उतना वो टेस्टी होता है। तो आप नीचे टाइप करो, जो सही टाइप करेगा उसको मैं कॉल पे लूंगा। मुझे जरा चिकन दो, चिकन चिकन, और थोड़ा चावल भी दो, चावल थोड़ा चावल दे दो। मैं डाइट पे हूं ना, मैं बहुत ही कम खाना खाता हूं, लेकिन आपका चावल इतना टेस्टी है, थोड़ा चिकन दे दो मुझे इसमें से। अरे पहले चिकन दो बाद में लाओ, थोड़ा चिकन दो। सिर्फ पीस दो, सिर्फ पीस, हाँ बस ठीक है बस। जो मैंने इटालियन लैंग्वेज में बोला नीचे टाइप करो। इटालियन लैंग्वेज में मैंने क्या बोला नीचे टाइप करो। उसके बाद में मैं आपको मेरा बंगला दिखाऊंगा। ये चावल को क्या बोलते हैं राशन की दुकान में? अगर समझो मुझे चावल ऑर्डर करना है तो दुकानदार को क्या बोलना है? हिमाचली चावल,
एक्सक्यूज मी, दे दो चावल दे दो। मुझे चावल बहुत ही टेस्टी लगे, थैंक यू। ये थोड़े मैं भी खा रहा सही है। ये मुझे सॉफ्ट पसंद है, मुझे नहीं पसंद है जले हुए। क्या डालते हैं? मुझे थोड़े, मुझे थोड़ी सी, ठीक है चलो चम्मच दे दो। चम्मच कहाँ है यहाँ पर? थोड़ा ना चम्मच वम्मच ज्यादा लाया करो प्लेट वेट। ओके कभी भी है ना एक दो स्पून ज्यादा दिया करो, एक दो प्लेट ज्यादा दिया करो प्लीज। वो जो कुकर भर के वो कहाँ पे गए इतने सारे चावल? वो स्टाफ वालों ने खा लिए। इतने वो तो बहुत थे, सात बंदे थे आज। अभी मैंने खाना नहीं खाया। अच्छा अभी आपने खाना नहीं खाया? थोड़े और डालो तो मुझे चावल। हाँ चावल इसमें से डालो, जो जले हुए नहीं है ना वो डालो। ठीक है बस, ठीक है बस बस इनको ले जाओ। तो अभी मैं आपको मेरा बंगला दिखाऊंगा। पहले थोड़ा मुझे बंगला तो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि वो बंगले में कस्टमर है, तो मैं 21 के पहले, अगर कल बंगला नहीं लगता है तो कल या फिर परसों मेरा बुकिंग है 21 को। बंगला दिखा रहा हूं मैं, थोड़ा खाना खाने दो। मैं हाथ से खाना पसंद करता हूँ क्योंकि अमेरिका के लोग चम्मच यूज करते हैं, लेकिन जो इटालियन लोग हैं वो हाथ से खाते हैं। आप कोई भी इटालियन को पूछ लेना, तो मेरी दादी माँ मुझे हाथ से ही चीज खिलाती थी। मेरी परदादी लेस्बियन थी, मेरी जो परदादी थी वो लेस्बियन थी, लेस्बियन। वाह ये हड्डी चुस्ते में कुछ अलग ही मजा है, नहीं?
मजा है जिंदगी का आ गया। हाथ से चिकन खाने का मजा ही कुछ और है। बहुत मजा आया हाथ से चिकन खाने में मुझे। मेरी दादी माँ मुझे हाथ से स्वीस चीज खिलाती थी और मेरी दादी माँ गाना गाती थी, जिंगल बैल जिंगल बैल। सुनो शेफ, शेफ इसमें कुछ चिकन का रस्सा बचा है वो मैं खाऊंगा, फेंकना नहीं उसको। इसमें थोड़ा चिकन है, पानी बचा है वो मैं पी लूंगा बाद में, उसको फेंकना नहीं, मैं पूरा खाऊंगा। ओके चलो, अभी मैं आपको मेरा बंगला दिखाता हूं। इसका पोजीशन मुझे आज क्या तारीख है, रुको देखने दो भाई आज क्या तारीख है, आज डेट क्या है नीचे लिखो, एक मिनट देखने के लिए दो। 18 तो मैं 20 को यहां पे आ जाऊंगा, 20 या 21। तो अभी मैं आपको मेरा बंगला दिखाता हूं, चलो सुनो, थोड़ा चिकन का रस्सा बचा हुआ है तो अगर आपको खाना है आप खा सकते हो, लेकिन वेस्ट मत करना, फेंकना नहीं है उसको। हाँ तो फेंकना नहीं है, क्योंकि मैं खाना वेस्ट नहीं करता हूँ, मुझे घर में डांट पड़ती है तो खाना वेस्ट नहीं करना अपने को कभी। ओके चलो अभी मैं आपको बंगला दिखाता हूँ। ये मेरा बंगला है, तो अभी रेंट पे गया है। सुनो अच्छा, ये खाली है सामने वाला, तो ये कब खाली होगा? ये तो पता नहीं, ताला लगा दिया है। अच्छा ठीक है,
तो चलो भाई, ये जो बंगला मैंने लिया है रेंट पे, तो अभी मुझे और 2 दिन लगेंगे इसके पोजीशन में। तो ये मैंने लिया है रेंट पे, ये मनाली है। यहाँ पे आगे जो है वो कंगना रानावत का बंगला है। तो मैंने ये लिया है बंगला 1,20,000 पर मंथ, और इसका पोजीशन मुझे या तो 20 को मिलेगा या तो 21 को, और मैंने 3 महीने के लिए लिया है। तो जितनी भी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि, तो बस अभी मुझे पोजीशन को सिर्फ 2 दिन बाकी है। तो मैंने अभी यहाँ पे खाना खाया, चिकन बॉईल, और उसके बाद मैंने इनको कहा कि इन्वर्टर ठीक कर दो, अभी तक ठीक नहीं हुआ इन्वर्टर। तो मैं जस्ट आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये व्यू है मेरे बंगले का। ये नीचे मेरा गार्डन है, यहाँ पे एक गार्डन है, ये 2 गार्डन हो के बाद में फिर यहाँ पे भी मुझे, पीछे ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गार्डन। तो ये मेरा एक विंडोज, यहाँ पे वेंटिलेशन काफी अच्छा, आप देख सकते हो वहां पे काफी अच्छा वेंटिलेशन है। तो यहाँ पे मैं बैठ के पीस, यहाँ पे अम्ब्रेला भी, अगर आपको धूप लगती है तो अम्ब्रेला है। यहाँ पे मोबाइल चार्जर पॉइंट है, तो अच्छा है। मेरे को बारिश आती है तो मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। तो मैंने कुछ लकी पनोनी को फिर एक चाय भी ऑर्डर करूंगा मैं। चिकन खा के एकदम मस्त मजा आ गया मुझे। लकी पल्लो नहीं, आ जाओ लाइव पे आ जाओ। अच्छा बंगला है, मुझे मजा आ रहा है यहाँ पे बहुत। मैंने अभी व्हाइट कुर्ते पैजामे मैंने ऑर्डर किए हैं, व्हाइट कुर्ता पैजामा। दीपक दहिया को मैं इनवाइट करना चाहूंगा इस खूबसूरत बंगले में। अरे बाप रे, राम राम दीपक भाई, कैसे हो भाई? हेलो, और क्या हाल है दीपक? हाँ, या तो मुझे 21 तारीख को पोजीशन मिलेगा, 21 तारीख को। हाँ देखा मैंने, बहुत सुंदर है भाई तेरा बंगला। हाँ सुंदर, मतलब किराए का यार, अपना किराए का है। अरे कोई नहीं, 2 महीने तक। कितने महीने के लिए लिया तूने? मैंने 3 महीने। हाँ तो 3 महीने तो तेरा ही हुआ। हाँ मतलब ये जो है ना, सब व्यू वगैरह सब अच्छा लेगा, बाकी इसके काम है वो अच्छा है। खुला है, मैं आपको क्या पता है, सब उन्होंने बोल डाला है। और इसमें कैसे सिक्सटी बड़े, तो नहीं, बढ़िया बढ़िया, बहुत एक नंबर है भाई। आऊंगा मैं तेरे,
तेरा बंगला देख के और दिल कर गया मिलने आने के लिए। तो आप है? आप अरे नहीं कहाँ गरीब है तू यार, ये देख तेरे को भी दिखाता हूँ। सामने समंदर है पूरा। क्या दीपू भाई? अरे ये मैं मनाली में ना 26-27 के आसपास आता हूँ। अच्छा कॉल करूंगा तेरे को। अरे भाई आवाज थोड़ी सी ब्रेक होके आ रही दीपक। अरे आप इनको बताओ कि आपके बंगले का एक दिन का क्या है? 50,000 रुपए है एक दिन का। 50,000? हाँ देखना मस्त है ना। हाँ कौन सा? मैं अभी वो पी रहा हूँ, वोडका प्लस वाइट रम। सुनो भाई आवाज कट रही है, मैं आता हूँ। ये टेबल जरा सीधा कर, ये गिर रहा है मेरा मोबाइल। डालो मुझे पता है बात ऐसे मोबाइल गिर गया दो बार भाई। वो देख वहां से भी लगा कुछ भी। टाइल वगैरह ले ले अच्छी सी। ये यार टेबल है ना टेढ़ा हो जाता है। और सुन पानी की एक बोतल लेके आ और उसके बाद में चाय लेके आ मस्त। दीपक देख ये शीश में, ये शीशा महल है यहाँ पे, हुक्का सब बीच के सामने। हाँ, हाँ, हाँ। मैं तो पीता नहीं हुक्का वगैरह। सुन ये जो भाई है ना इसकी अच्छी रिस्पेक्ट होनी चाहिए यहाँ पे। ये दुबई से आ रहे मुझे मिलने के लिए, समझा? अच्छे अच्छे लोग आएंगे अपने अपने को मिलने के लिए। यहाँ पे पास में कंगना रानावत का बंगला है, दिखाऊं आपको कंगना रानावत का बंगला? अरे नहीं लोकेशन बहुत जबरदस्त है भाई तेरे बंगले की। हाँ, ये देख लिया मैंने। हाँ, नहीं यहाँ पे कंगना रानावत का उसका, उसके बंगले का नाम है कार्तिकेय। यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। कंगना रानावत अब तो इलेक्शन पे जीत गई भाई। हाँ ये देखो वो जो काले आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये जो काला दिख रहा है ना आपको, वो जो दो घरों के बीच में वो जो काला पत ये दिख रहा है आपको छत, वो है कंगना रानावत का। उसका नाम कार्तिक ही है। यहाँ से आधे किलोमीटर की दूरी पर है। नहीं मस्त है एकदम यार। मैं तो इतना लेकिन सुनो मेरे साथ एक दुर्घटना घटी। क्या हुआ यार? मुझे है ना जॉब कर उसको नहीं मिला, मतलब मुझे जॉब करने दीपक आवाज नहीं आ रही। चल मैं आता हूँ। हाँ ठीक है चले। ओके ठीक है भाई टेक केयर। चलो बाय। तो भाई जितने भी लोग हैं उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन मुझे बंगले में कोई छोटू नहीं मिला। तो देखते हैं अभी भाई अगर किस्मत से कोई मिल गया मुझे। चाय लेके आना। ओके और सुनो फ्रेश चाय बनाना, नई चाय बनाना, वो जो पुरानी वाली है वो मत लेके आना। और सुनो उसमें कुछ मसाला वसाला डालो। टी मसाला नहीं है आपके पास? चाय का कोई मसाला नहीं है? अच्छा एकदम बनाओ। और तुमने देखे मेरे दोस्त कैसे हैं? इतने लोग अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आने वाले हैं आपको मिलने के लिए।
तुम जब मेरे दोस्त आओगे ना, उसका स्विमिंग पूल देखा कितना बड़ा था, दुबई से आ रहा है मुझे मिलने के लिए। वो सबको इज्जत मिलनी चाहिए यहाँ पे, वो 27 को आ रहा है लेकिन सबको इज्जत। और वो मैं दुबई से आपके लिए गिफ्ट मंगवाऊंगा, अच्छे अच्छे परफ्यूम लेके आ रहा है वो अपने लिए, स्टाफ के लिए। वो सुनो, इधर आओ, सबको बताओ ये बात आपकी किसका कॉल था, सबको बताओ ये बात। विजय तनवर, लाइव पे आ जा। तो भाई अगर आप मुझे कोई सर्वेंट दे सकते हो मेरे बंगले के लिए तो प्लीज प्लीज मुझे बताना यार, क्योंकि मैंने बहुत हाथ पैर मारे भाई। मेरे को है ना छोटू नहीं मिला भाई मेरे बंगले के लिए, मैंने बहुत हाथ पैर मारे लेकिन मुझे छोटू मिला ही नहीं यार। भाई माँ कसम, और तुम्हें पता है छोटू का काम क्या है? छोटू का काम है भाई पार्टी करना, मेरे जो भी फ्रेंड्स आएंगे उनके साथ पार्टी करना, मजे मारना, दारू पीना, ये छोटू का काम है, बताओ। बट यार फिर भी मेरे नसीब में छोटू नहीं है। उसको खाना कुछ नहीं बनाना है भाई, नमक हल्दी का खाना बनाना है छोटू को, और कुछ भी नहीं है यार। अभी मैंने चाय ऑर्डर की है, देखते कब आती है चाय। तो भाई जो भी बंगले में आना चाहता है प्लीज खाना बनाने में हेल्प करना भाई, मैं किसके लिए खाना बना नहीं बना सकता। जो भी बंगले में आएगा वो खुद खाना बनाएगा भाई, नहीं तो कैंसिल कर दो, क्योंकि मैं थक गया हूँ। मेरे को भाई छोटू नहीं मिल रहा है बंगले के लिए।
बहुत मेरे हाथ पैर मारे यार कसम से, मेरे को जो छोटू ही नहीं मिल रहा है बंगले के लिए। अपना एक भाई है उसको मैं कॉल कर रहा हूँ, परवीन को, मिंटू करके अपना भाई है उसको मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को छोटू मिलेगा क्या। हाँ भाई, मेरा ये बंगला मनाली में है और ये बिल्कुल कंगना रानावत मैडम के पास में है। कंगना रानावत जो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और मैं उनकी बहुत मतलब इज्जत करता हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि मुझे उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा पसंद है, कंगना रानावत की। तो मेरा सपना है कि मैं उनके साथ एक सेल्फी लूँ मैडम के साथ, और अगर कंगना रानावत मैडम यहाँ पे आती है तो मैं उनको मेरी तरफ से लंच या एक मिनट रुको, कंगना रानावत मैडम लाइव देख रही है मेरी। कंगना मैम प्लीज आप आओ यहाँ पर, मैं आपके लिए चिकन बनाऊं। अरे भाई चली गई यार मैडम, चली गई यार कंगना रानावत मैडम, शट यार, वो आई थी मेरी लाइव देख रही थी यार। तो भाई चलो अभी मैं ऊपर जाता हूँ क्योंकि वो चाय आने में थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे, तो मैं आपको व्यू दिखा के, मैंने आपको बंगला दिखा दिया, मैं ऊपर जाता हूँ क्योंकि वैसे भी ये बंगले में कोई रह रहा है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं जाते जाते आपको व्यू दिखाता हूँ मेरे बंगले का। ये देखो, ये मेरे बंगले का व्यू है और उसके बाद मैं अपना ऐसा बंगला है यहाँ पर और ये मेरे बंगले का व्यू है। तो अभी मैं ऊपर जाता हूँ। ये अपना एंट्रेंस है, अच्छा जो भी दिल्ली के फाइव स्टार होटल्स है वो मेरे मम्मी ने बुक किए थे, लेकिन ये बंगला जो है मैंने मेरे पैसे से बुक किया है क्योंकि मेरे मम्मी ने मुझे 16 लाख रुपए दिए थे, मैं ऑलरेडी स्पेंड कर चुका हूँ वो, तो अभी मैं मम्मी से पैसे नहीं लूंगा, ये मेरी मेहनत की कमाई का बंगला मैंने लिया है। अरे मैंने चाय ऑर्डर की, बंदा तो है नहीं यहाँ पर। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, अरे यार मैंने चाय ऑर्डर की है, चाय, हाँ बहुत टाइम हो गया मैंने ऑर्डर की। शेफ, अगर आपके नॉलेज में कोई बंदा होगा उसको मैं 15,000 सैलरी दूंगा, रियली मैं नॉट जोकिंग, बट मुझे बंगले में वो बंदा खाना बना के चाय लाना ये सब वो करेगा, मैं उसको 15,000 रुपए सैलरी दूंगा। सुनो, वो मेरे ही साथ रहेगा, वो घर पे नहीं जाएगा, 24 घंटा मेरे ही साथ रहेगा वो बंदा। अगर आपका कोई दोस्त होगा ऐसे तो मुझे बताना, क्योंकि मैंने मैकडॉनल्ड्स से एक बंदा मंगवाया, वो कह रहा है कि मैं 8,000 दो मुझे, मैं कार से आऊंगा। मैंने कहा वॉल्वो से आ, वो कहता है नहीं नहीं मैं कार से आऊंगा। मैंने उसको डांट लगाई, मैंने कहा तू मत आ यार, तू मुझे एक बात बता,
मैं उसके लिए वॉल्वो बुक कर रहा हूँ, वो कह रहे मेरे लिए कार बुक करो, और वो 8,000 की कार बुक करने के लिए कह रहा है मुझे, बता। और ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, रियल कह रहा हूँ मैं। इसीलिए तुम मुझे इधर का ही कोई बंदा दो, लेकिन ऐसे भी नहीं कि बहुत नजदीक रहे, क्योंकि बहुत नजदीक रहेगा तो वो घर पे जाएगा, मम्मी ने बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि वो 50-60 किलोमीटर की दूरी पर रहे, ताकि वो मेरे पास रहे। उसको मैं वीक में एक बार छुट्टी दूंगा सिर्फ, जैसे कोई भी ऐसा डे रहेगा। और जब मेरे दोस्त आएंगे तब उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, जब मेरे दोस्त ही रहेंगे तो मैं उसको 2-3 दिन की भी छुट्टी दूंगा। प्लीज मैं 15,000 रुपए दूंगा, मुझे बहुत जरूरत है एक बंदे की। तुम्हें पता है अभी मैं नीचे गया ना तो मेरा मोबाइल गिर गया, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा था टेबल, तो वो बंदा मेरे साथ रहेगा, वो नीचे टाइल लगाएगा, ऐसे सब करेगा वो बंदा। यहाँ पे मुझे एक बंदे की जरूरत है, क्योंकि ये बंगले में किचन दूर है, यहाँ पे काफी दूर है, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक बंदा अगर मेरे पास रहेगा तो वो मुझे चाय गिलास में देना, ओके, कप में नहीं। इसको एज अ स्टैंड में यूज करूंगा यहाँ पे, ताकि ये गिरे ना। बस अभी चाय दे दो आप। चाय गिलास में देना, कप में नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे पुराने कमरे में चाय वाय पीकर। चलेगा ना? अरे मैं देसी आदमी हूँ, स्टील के ग्लास में मजा आएगा मुझे, सब देसी आदमी हूँ मैं। भाई स्टील के ग्लास में चाय पीने का अलग ही मजा है।
मैंने अभी लाइव में है ना हड्डी चूस चूस के चिकन खाया, वो भी हाथ से। हम लोग ज्वार बाजरे की रोटी खाते हैं घर में। वाओ, स्टील की चाय में चाय पीने का अलग ही मजा है। पता नहीं मुझे कप में मतलब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सिर्फ स्टील या कांच की ग्लास में पसंद है। मुझे जरा एक चम्मच दे ना, इसमें कुछ गिर गया है चाय में। हाँ उसमें गिर गया है कुछ। अच्छा पत्ती है वो। योगी बढ़ाना लाइव पे आओ तो भाई, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मेरे इस बंगले में आने के लिए। भाई मेरा दुबई का दोस्त कैसे लगा आपको? वीडियो कॉल पे आया था, इसको बताओ। तुझे पता उसने क्या कहा कि मैं आप स्टाफ सबके लिए, स्टाफ के लिए क्या क्या गिफ्ट लेके आऊं? उसका जो स्विमिंग पूल है ना, यहाँ से लेके कंगना रानावत के घर तक का स्विमिंग पूल है उसका। मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, मैं इसको बता। और वो बंदे ने क्या बोला कि मैं आपके लिए क्या क्या लेके आऊं? नहीं बोला उसने। वो मेरे लिए जो दारू की बोतल लेके आया ना, वो 60,000 की है। दुबई से दारू की बोतल 60,000 की लेके आ रहे हो मेरे लिए? अरे भाई ये हंस रहा है यार। अरे इसको बता यार, ये झूठ है क्या? उसको पूछ। उसका जो स्विमिंग पूल है ना, आधे किलोमीटर का स्विमिंग पूल है, आधा किलोमीटर। जिस दिन मेरे वीआईपी गेस्ट आएंगे ना, उस दिन खुद धर्मपाल यहाँ पे आएंगे उनको मिलने के लिए। धर्मपाल Uh-huh.
मेरा एक दोस्त है, उसने एक डॉल से शादी की, डॉल से, गुड़िया से। तुम्हें पता है उसने वो शादी कितने में की? 40 करोड़ में, गुड़िया के साथ। और शादी भी उसने मुझे, देख तुझे वीडियो दिखाता हूँ मैं, इधर आ। इधर आ, मैं क्या दिखाता हूँ, इधर आ, क्या दिखाता हूँ, ये देख, थोड़ा देख ले, ये देख, इधर आ, ये देख, ये बंदा देख क्या बोल रहा है, इधर देख, इधर देख, देखो क्या बोल रहा है, ये देख, ये बंदा क्या बोल रहा है। Hey, this is slower. गुड़िया के साथ 40 करोड़ में शादी की। मतलब तू मेरे डॉल को, देख इसका नाम है यूरी टॉलर चोको, ओके? ये देख इसने, देख इसे शादी में मेरा फैन है, यूरी टॉलर चोको, ये देख यूरी टॉलर चोको, टॉलर चोको, ये देख उसके, ये देख गुड़िया के साथ शादी की, ये देख। इसलिए मुझे इनविटेशन था, इसके पास 4 रोल्स रॉयस है, 2 हेलीकॉप्टर्स है और 1 एरोप्लेन है बंदे के पास। और माँ कैसे उसको पूछ लेना, अभी जो बंदा आ रहा है ना यहाँ पे, उसको पूछना, उसका स्विमिंग पूल है ना 1/2 किलोमीटर का, दुबई का है वो बंदा, मेरे लिए 60,000 की दारू लेके आ रहा है वो। ये देख, ये गुड़िया है, ये वही बंदा है, ये बंदा दूसरा है, बताइए, देखिए, ये देख 40 करोड़ की ये शादी है, ये देख, ये देख, ये देख, हाय दीपक कलाल, ये देख, हाय दीपक कलाल, दिस इज स्लोवर, दिस इज माय बेबी, दिस इज माय डॉग, दिस इज माय वाइफ, एंड शी रियली लव्स यू, एंड इफ यू वांट यू कैन डू बूम बूम दिस ईयर, बूम बूम मतलब चोट है। By the way, she has a head of woman and body of chicken, and also she has a fantastic level. You can fuck her. Did you ever meet my fans? But the dick. Hollywood के दिखाओ तुझे लोग. Snoop Dogg पता है तुझे Snoop Dogg. अभी देख तेरे को दिखाता हूँ. ये देखिए. Bunny. Hello, Dabas भाई, कैसे हो? हाँ बोलो, सुनो डबास भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ नहीं, थोड़ा भाई को अभी सपोर्ट करो थोड़ा, अभी देखो अभी क्या है, मैं पोजीशन ले रहा हूँ परसों, सच्ची क्या बता दूँ,